मम्मी देखो बुआ जी और फूफा जी आए हैं। बुआ जी नमस्ते, फूफा जी नमस्ते। राहुल तुम कैसे हो? ये लड़का और लड़की कौन है? फूफा जी मैं ठीक हूँ, ये मेरे मित्र करण और दिव्या हैं। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा बाजार गए हैं, अभी आने वाले होंगे। राहुल के घर में बातचीत में कुछ शब्द आए हैं, बुआ, फूफा, लड़का, लड़की, मम्मी, पापा। इनमें बुआ, लड़की और मम्मी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं और फूफा, लड़का और पापा शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। शब्द का जो रूप स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बैल राजा, दूल्हा बूढ़ा। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे गाय रानी, दुल्हन बुढ़िया। आओ कुछ और पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को जाने। वर वधु, युवक युवती, छात्र छात्रा, चाचा चाची, ताऊ ताई, पुत्र पुत्री, पोता पोती, माली मालिन, पड़ोसी पड़ोसन, दर्जी दर्जिन, हिरण हिरणी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, पंडित पंडिताइन, वृद्ध वृद्धा, नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, गुणवान गुणवती, हाथी हथिनी, मोर मोरनी, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, बालक बालिका, सुनार सुनारिन, नर नारी, महोदय महोदया, बकरा बकरी, चूहा चूहिया, पुरुष महिला, बंदर बंदरिया। नीचे दिए वाक्यों को पढ़ो। पुल्लिंग, मेरा बड़ा भाई बहुत पढ़ता है, उसका मित्र बहुत मोटा है। स्त्रीलिंग, मेरी बड़ी बहन बहुत पढ़ती है, उसकी सहेली बहुत मोटी है। ऊपर दिए पहले वाक्यों में तुमने देखा कि भाई और मित्र पुल्लिंग शब्द हैं, और दूसरे वाक्यों में बहन और सहेली स्त्रीलिंग शब्द हैं। ध्यान दो कि पहले वाक्यों में भाई और मित्र के साथ मेरा बड़ा पढ़ता है, उसका मोटा शब्द आए हैं, जबकि दूसरे वाक्यों में बहन और सहेली के साथ मेरी बड़ी पढ़ती है, उसकी मोटी शब्द आए हैं। अतः तुमने जाना कि लिंग के आधार पर वाक्य में आने वाले कुछ अन्य शब्द भी बदल जाते हैं। ध्यान रहे कि निर्जीव वस्तुओं और विचारों वाले शब्दों का रूप देखकर ही उनके लिंग को पहचाना जा सकता है। आओ कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को जाने। पुल्लिंग शब्द, पेड़ फूल, सूरज कपड़ा, कमरा अखबार, पर्दा आलू, चाकू जादू, फोन दरवाजा। स्त्रीलिंग शब्द, कमीज मेज, चादर सड़क, खिड़की गाड़ी, घड़ी पुस्तक, कुर्सी हवा, कहानी दवाई। आओ दोहराएं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। कुछ शब्दों का लिंग
क्रिया एवं विशेषण से पता चलता है।